अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो मेरी आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ सिंपल और टेक के ऊपर है। आपको पता होगा कि पिछले दो या चार दिनों पहले भी 207 पर डॉलर चला गया था। डॉलर के ऊपर ही बात है और आज कल फिर एक ग्लिच आया तो 207 पर चला गया। तो गूगल ने क्या किया, गूगल ने करेंसी के ऊपर जब आप लिखते हो गूगल सर्च के ऊपर करेंसी के ऊपर, तो वो आप सर्च करते हो कि $1 इज इक्वल टू के PKR में कितना है, तो वो बताता था पहले कि इतना है इतना है इतना है, तो अब उन्होंने बताना छोड़ दिया। तो अभी आप गूगल पर जाके सर्च रिजल्ट करोगे तो आपको अभी वो किसी और वेबसाइट का रिजल्ट दिखाएगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप यदि देख लो नज़र आ रहा होगा, अभी उल्टा आ रहा है नज़र। अच्छा, तो ये देखो उल्टा क्यों जा रहा है। अच्छा खैर, तो अभी आप अपने पे सर्च करो $1 इज इक्वल टू PKR, तो जो रिजल्ट आएगा वो गलत होगा। गलत नहीं होगा, मतलब वो ये होगा कि किसी और वेबसाइट का होगा। तो इसका मतलब ये है, इसकी दो मतलब निकलते हैं, या तो पाकिस्तानी करेंसी इतनी डाउन चली गई है कि गूगल ने मुंह लगाना ही छोड़ दिया ये हो नहीं सकता एक्चुअली। तो अगर आप किसी और करेंसी को भी सर्च करोगे तो वो अपना ग्राफ एक शो करता है, तो या फिर ये है कि उन्होंने अभी टेकआउट कर दिया है, उस फीचर को निकाल ही दिया है सिर्फ पाकिस्तान वाले को, और उसको वो सही करेंगे, मॉनिटर करेंगे, सही करने के बाद जो है वो फिर दोबारा लाइव कर देंगे। तो अभी तक इसकी कोई एक्चुअल खबर तो आई नहीं है, लेकिन जो खबर मुझे इंटरनेट और सोर्स से पता चली है वो यही है कि इस टाइम आपको गूगल नहीं बता रहा, बाकी सारी वेबसाइट्स जो हैं वो भी बता रही हैं और इसका एक्यूरेटी बता रही है, मतलब वो जाहिर है वो उससे जो 4-5 रुपये का फ्लक्चुएट है वो चलता ही रहेगा, वो चलता ही रहना है। लेकिन अब जो प्रॉब्लम आई है उन्होंने इस तरह उसका ट्रैक डाउन कर दिया, तो अभी इसकी सही रिपोर्ट जब तक नहीं आती तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये आज की थी टेक वीडियो।